सिंहसनगतानित्यं पद्मासृतिकर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। नवरात्रि का आज पांचवा दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन देवी की चार भुजाएं हैं। यह दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में लिए हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाएं तरफ वाली ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता को मैं प्रणाम करता हूं। नवरात्रि में पांचवें दिन इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा में मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजत है। इन देवी की चार भुजाएं हैं। यह कमल के आसन पर विराजित होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक का या भक्त का भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। ऐसी माता स्कंद माता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। स्कंद माता पुत्रवती माता पिता का स्वरूप है, अथवा प्रत्येक पुत्रवान माता पिता स्कंद माता के रूप हैं। इस प्रकार भी इन माता का महत्व महिमा मंडन किया जाता है। सभी माता पिताओं को मैं स्कंद माता के रूप में देखकर बारंबार प्रणाम करता हूं। आयुर्वेद में नवरात्रों में सभी नौ देवियों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्राणदायी औषधियां प्रदान करने वाली ऐसा करके बताया गया है। माता स्कंद माता ने अलसी औषधि को इस पूरे मानव जाति को प्रदान किया। देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में भी विद्यमान है। यह वात पित्त व कफ रोगों की नाशक औषधि है। ऐसी स्कंद माता को बारंबार प्रणाम है। बोलो स्कंद माता जी की जय।